हाथ धो लीजिए। ओम अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थांगत यमरेगाक्षर सुचे ओम पुनरेगाक्षनाद ओम पुनरेगाक्षनाद ओम पुनरेगाक्षनाद हरे ओम स्वस्ते न इंद्रो वृद्धतरवाह स्वस्ति नोभावेदा स्वस्ति नाक्ष अरिष्ट नेमे स्वस्ति नृहसमतर्दधातु। चावल पुष्प लेकर के हाथ जोड़ लें और बागेश्वर राम प्रभु हनुमान जी महाराज और सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा का ध्यान करें। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत हनुमान जी महाराज की। सबसे पहले पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का ध्यान करेंगे। ओम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की। अध्याचमनं कुर्यातः। ओम केशवाय नमः। केशवो मां पुनातो। माधवाय नमः। माधवो मां पुनातो। नारायणाय नमः। नारायणं सर्वान् पुनातो। हस्तौ प्रक्षाल्य हाथ धो लीजिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यः स्मरेत् पुनरेकाक्षं शवायाभ्यन्तरः शुचे। ओम पुनरेकाक्ष पुनातो। ओम पुनरेकाक्ष पुनातो। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धतरवाः स्वस्ति न भूखा वसुवावेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष अरिष्ट नेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। हाँ, चावल पुष्प लेकर के हाथ जोड़ लें और बागेश्वर धाम प्रभु हनुमान जी महाराज और सतगुरु भगवान सन्यासी बाबा का ध्यान करें। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वन्य नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शंकरं अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपद प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। वागीश्वराय नमः। नमतये नमः। ध्यानं ध्यानाद गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। चावल पुष्प लेकर के प्रथम पूज्य भगवान गणेशा मका जी का ध्यान करना है। भगवान गणेश जी का ध्यान करें। ओम दधानम भृंगाली मनुष ममले गंड युगले दधानम सर्वार्थान निज चरण सेवा सुकृतिने दयाधारम सारम निखिल निगमानामनुदिनम गजास्यम स्मरेरास्यम तमेहजलये चेतनलये। अंबिका जी का ध्यान करना है। मुखे ते ताम्बूलम नयन युगले का जल कला ललाटे कास्मे सिद्धासिद्धाक्ष दुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलप्ता रुद्रान भोरूपाः पार्जन्याः शुद्धोद कृष्णानं जलं समर्पयामि। गणेशां काभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। चंदन लगा दें। अतगंधानुलेपनम हरे ओमात्वांगंधर्व आकानस्त्वां मिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघधे सोमो राजा विद्वान् क्ष्मादामुच्यत गंधानुलेपनम समर्पयामि।
ओम गंधद्वाराम राधाशाम नित्यपुष्टांकरेशणे ईश्वरेम सर्वभूतानां तामेव बह्वये श्रियम्मा। चावल और पुष्प चढ़ा दें। हरे ओम आम्रेय चमे जवाश चमे माखा चमे तिलाश चमे मुदगाश चमे खलवाश चमे प्रियंगावश चमे नावाश चमे श्यामाकाश चमे नीवराश चमे गोधूमाश चमे मसुराश चमे दज्ञे नकलबंताम्मा। हरे ओम औकदे प्रतिमो तत्वं पशुपते प्रसोवरी अस्बा एवा कजत वरीर वीरुधा पायष्णवः पुष्पं च पुष्पमालां समर्पयामि। माल्यादेन सुगंधेन मलत्यादेन वै प्रभो मया रतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां मन्दारमाला कुलितालिकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै चदगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तो पत्ती दिखा दें। हरे ओ माधोरस धोर्वधोर्वन्दं धोर्वतञ्जोऽस्मवन् धोर्वतितं धोर्वयं वयं धोर्वामः देवानामसिबन्नितमग्ं सस्नितमं पवृतमं जुष्टतमं देवहुतमं मा ॐ मा ब्राह्मलोऽस्यामुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरुतदस्याजवैश्यः पद्भ्याद्गं श्रोत्र अजायत। हाथ धुल लीजिए। धूपा माघ्राभ्या प्रत्यक्ष दीपांध हस्त प्रक्षाल्य नैवेद्य मनसा कल्पयेता प्रार्थना कुर्यात। चावल पुष्प लेकर के हाथ जोड़ लें और सभी देवों से प्रार्थना करें भगवान गणेश अम्बा जी से, जो विघ्नों के हरण करने वाले हैं, कि हे प्रभु जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो आपकी कृपा से निर्विघ्न पूर्ण हो। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुराप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अंबिका जी से प्रार्थना करें। ओम ऐ गिरिनंदन नंदित मेदिन विश्व विनोदिन नंदनुते गिर। जे देखें आज भगवान शंकर जी विष्णु को बड़ा मानते हैं, विष्णु भगवान शंकर को, ये भाव आज इस मंच पर देखिएगा आदरणीय गुरुदेव जी का, कि अतिथि आप लोग आए हैं हम आपका स्वागत करेंगे, लेकिन उनकी विनय को स्वीकार किया आदरणीय गुरुदेव ने और हमारे मुख्य कलाकार आदरणीय लालचंद जी दीक्षित खरेला और माता दीन जी विश्वकर्मा लव कुशनगर का सम्मान करते हुए एक बागेश्वर धाम के प्रसाद से आनंद आ जाए बस, ऐसा होगा एक बार ये जीवन आप
की कृपा हो जाए उस का संभव हनुमान जी जानकर तो राज भाई जो आगे और पीछे दादी का आपकी भूमिका में तो और कौन से होने जाओ बिल्कुल आनंद तो आई रहो वही चीज जमींदार बनकर जमीन पर बैठे हो और चौकीदारों को मंच दे देते हैं इतना बड़ा विशाल हृदय भगवान राम से ही प्रेरणा मिल सकती है उन्हीं का था तो ऐसे विशाल हृदय गुरुदेव को बार बार चरणों में मैं अपनी ओर से वंदन करता हूं इस धाम की रज को क्योंकि ये पूरे धाम की जैसे वृंदावन का कण कण शंकर है वृंदावन का कण कण नर्मदा जी का कण कण शंकर है और वृंदावन की पूरी रज भगवान कन्हैया है ऐसे ही बागेश्वर धाम की पूरी रज बागेश्वर धाम की कृपा है हनुमंत लाल की कृपा है इस रज को अपने मस्तक पे अंकित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूं। आज के मुख्य अतिथि हमारे बालाजी सरकार हैं उनकी मुख्य आतिथ्य में आज का यह कार्यक्रम होगा क्योंकि जहां भी हरि कथा होती है तो भगवान अनंत बलवंत भगवान हनुमंत लाल जी कहीं ना कहीं किसी रूप में विराजते हैं तो वो निश्चित रूप से आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं सदगुरु सन्यासी बाबा आचार्य कौशल किशोर मिश्रा जी पंडित लोमेश गर्ग जी और हमारे गुनौर विधायक आदरणीय बागरी जी यहां पर उपस्थित हैं और जेलर पाठक जी लवकुश नगर आप सभी का मैं मंच की ओर से हृदय से अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं और सभी सेवा में सेवादार हमारे बागेश्वर धाम शिष्य मंडल पन्ना बागेश्वर धाम शिष्य मंडल सागर बागेश्वर धाम शिष्य मंडल भारतवर्ष बागेश्वर धाम शिष्य मंडल नौगा और बागेश्वर धाम शिष्य मंडल छतरपुर सभी सेवादार सेवा में लगे हुए हैं उनका क्योंकि आजकल फूलों की तो कीमत की जाती है लेकिन जो माला में जो धागा होता है जो सारी माला को जोड़ के रखता है सब फूलों को जोड़ के रखता है उसकी कीमत कोई नहीं करता हमारे आदरणीय गुरुदेव महाराज ने उस सेवादारों को भी सम्मान किया कि जो इस सेवा को यह दिव्य व्यवस्था बनाने में अपना भागीरथी प्रयास करते हैं इतना सुंदर व्यवस्था देते हैं उनको मैं हृदय से नमन कर रहा हूं वंदन कर रहा हूं स्वागत कर रहा हूं और स्वागत की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा अशोक तिवारी जी नौगांव वो मंच पर आए हमारे दीक्षित जी का माल्यार्पण स्वागत करें आदरणीय अशोक तिवारी जी रिछारिया जी पन्ना रिछारिया जी पन्ना आप भी पधारे मंच पर हमारे का स्वागत करें मनु चौबे जी संजू भैया सागर डॉक्टर विश्वकर्मा जी सागर हमारे निवेदन को स्वीकार करें तालियों से स्वागत करिए अतिथि देवो हवा ये गुरुदेव जी ने इस शिक्षा दी है और स्वयं वो चल कर आए हैं दोनों ही मेहमान कलाकारों का उन्होंने सम्मान किया है दादा माता दीन दादा आप खड़े हो जाएं आपका भी स्वागत करते जाइएगा आदरणीय माता दीन दी दादा तालियों से स्वागत जरूर करिएगा वो ताली अगर नहीं बजाएंगे आप तो पता है भगवान ने सब कुछ सुनिश्चित किया है व्यक्तियों को खाना कितना है रहना कितना है सांस कितनी लेनी है ताली कितनी बजानी है अगर कमी रह गई तो अगले जन्म कहां ताली बजानी पड़ेगी इसीलिए तालियों का कोटा पूरा कर लीजिए अगले जन्म आपको कहीं तो और ताली ना बजानी पड़े अंजुल मिश्रा जी नरेंद्र चतुर्वेदी जी
रौनक सिंह जी, संदीप चौरसिया जी, सभी लोग कृपया मंच पर आते जाएं, हमारे अतिथियों का स्वागत करते जाएं, मेहमान कलाकारों का। कपिल सोनी जी खजुराहो, अभय तिवारी जी, राजेंद्र अवस्थी जी, धीरन गौर जी, रघुवीर यादव जी, महेंद्र शर्मा जी, चच्चू शिवहरे जी, रामू तिवारी जी, कृपया मेरे इस निवेदन को आप लोग स्वीकार करें, मंच पर पधारें। और मैं मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि टॉस जरूर ले लें आज। बिल्कुल, जंग हो या प्यार हो, भरपूर होना चाहिए, फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जिन्होंने हजारों रातें जगी हो साहित्य के लिए, अब उनके हाथों में ये कोहनूर होना चाहिए, ऐसा हमारे आदरणीय गुरुजी का आदेश है कि आज फैसला होके रहेगा। अमरीश रावत जी, कीर्तन उत्थान समिति के संरक्षक, हमारे परम पंडित श्री देवेंद्र तिवारी जी से निवेदन करें कि वो मंच पर आए और उनका सम्मान हमारे सभी सेवा लोकदार करेंगे। मिश्रा जी से निवेदन करूंगा, आदरणीय तिवारी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। आपने साहित्य की गंगा को बहाने में पूरा भागीरथी प्रयास किया है, मैं आपको हृदय से अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। और दादा माता दीदी, और एक और निवेदन, MP 16 BD 0725 एक लाल कलर की बोलेरो है, वो रस्ते में खड़ी है। और पप्पू भैया का हमारे दोनों मेहमान कलाकार तालियों से स्वागत करिएगा, ये विशाल मंच, दिव्य मंच। और जिसकी भी बोलेरो हो, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि कार्यक्रम आपका है, आप सभी को यह व्यवस्था बनानी है, और इस व्यवस्था में आप भी हमारा सहयोग करें तो बड़ी कृपा होगी। आपसे निवेदन, जिस भाई जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा देवेंद्र मिश्रा जी के लिए। कि वह भारत देश है।